हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉक। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। ओन्ड प्रेप लैडर के टीचर्स जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं क्योंकि उन्हें सितंबर से उनके कंटेंट के लिए प्रेप लैडर पेमेंट नहीं कर रहा, बट स्टिल इट कंटिन्यूज टू सेल देयर कंटेंट ऑन देयर वेबसाइट और ऑन देयर ऐप। प्रेप लैडर एक एडटेक स्टार्टअप है जिससे एक्विजिशन जिसका किया था अनअकैडमी ने कुछ समय पहले, और सितंबर से जो ये पेमेंट्स रुका हुआ है टीचर्स का, इस वजह से टीचर्स का एक ग्रुप है जिन्होंने ये कदम उठाया है। बायजूस ने डिसाइड किया है कि वो ऑफलाइन पिचेस, उनके जो सेल्स पर्सन है वो किसी भी बच्चे के घर जाके पिच नहीं करेंगे अपने कोर्सेज को सेल करने के लिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया बेसिकली क्योंकि इन पर काफी आरोप लग रहे थे कि ये मिसगाइड कर रहे थे लोगों को और मिस सेलिंग हो रही थी। अब इन्होंने ऐसा कर दिया है कि जो है घर जाके ही पिच नहीं करेंगे, लोगों को वर्चुअली रीच करेंगे और काफी चेक्स एंड बैलेंसेज होंगे ये कंफर्म करने के लिए कि पेरेंट्स और बच्चे वो जो है जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं इनके कोर्स में, साथ ही उनका इंटेंट है वो कोर्स लेने का या नहीं। इसी के साथ साथ बायजूस ने उन फैमिलीज को अपने कोर्स बेचने से मना कर दिया जिनकी मंथली इनकम 25,000 से कम हो। अब ये जो भी चीजें कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन पर काफी एलिगेशंस लग रहे थे क्योंकि ये मिस सेल कर रहे हैं या फिर पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को मिस गाइड कर रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में पूरी एक केस स्टडी चाहिए हो तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हम आपके लिए पूरी एक केस स्टडी लाएंगे। और हमें जरूर बताइए कि बायजूस के इस कदम के बारे में आप क्या सोचते हैं। मुंबई बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप नियो ग्रोथ, जो कि बेसिकली डिजिटल लेंडर है MSMEs के लिए, माइक्रो स्मॉल जो बिजनेस होते हैं उनके लिए, इन्होंने 82 करोड़ की इन्हें फंडिंग मिली है फ्रॉम अ US बेस्ड इन्वेस्टर। अडानी एंटरप्राइजेस ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को पेपर्स सबमिट कर दिए हैं इंडिया के सबसे बड़े FPO के लिए। FPO यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ये FPO जो इनका होगा वो होगा 20,000 करोड़ का। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि IPO और FPO में क्या अंतर है, तो बेसिकली एज द नेम सजेस्ट्स कि पहले IPO आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और जब कोई भी मार्केट या फिर कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है उसके बाद FPO आता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। रोड टैक्स या फिर हाईवे टैक्सेस को डिजिटली कलेक्ट करने के लिए एक तरह से रिवॉल्यूशन लाई थी भारत सरकार जिसका नाम था फास्टैग, और पिछले साल फरवरी 2021 में इस चीज को कंपलसरी कर दिया गया था कि जो भी गाड़ियां हैं, जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो उनमें फास्टैग हो ही हो। यानी कि अगर आप टोल टैक्स पर जा रहे हैं तो वहां पर सिर्फ फास्टैग वाले काउंटर्स लगे थे। फास्टैग बेसिकली होता क्या है, एक चिप लगी होती है आपकी गाड़ी के ऊपर और एक सेंसर होता है वो उसे स्कैन करता है और आपका जितना टैक्स कटना होता है कट जाता है। आपको कैश नहीं देना पड़ता या फिर मतलब वहां पर रुकना नहीं पड़ता बेसिकली हाईवेज पर या टोल टैक्सेस पर। 31 अक्टूबर 2021 से लेकर आज तक टोटली जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें 6 करोड़ व्हीकल्स ऐसे जिनमें नए फास्टैग इशू कराए गए हैं, एंड दैट्स एन अचीवमेंट फॉर श्योर। 2022 में चाइना की कितनी इकोनॉमी ग्रो हुई है ये रिपोर्ट आई है, और ये चाइनीज सरकार के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि 2021 के कंपैरिजन में ये आधी से भी कम है और जितना चाइनीज गवर्नमेंट ने टारगेट किया था उससे भी काफी कम है। बेसिकली चाइनीज गवर्नमेंट ने टारगेट किया था 5.5% इकोनॉमिक ग्रोथ का और इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है सिर्फ 3%। इसका जो मेजर रीजन है वो है COVID-19 का जो आउटब्रेक हुआ था और उसकी वजह से पूरा देश जिस तरह के रेस्ट्रिक्शंस में था, और उसके बाद दिसंबर में जो एक और फॉलो बैक आया था कोविड का चाइना में, जिसकी वजह से दोबारा बिजनेसेस और जितनी भी चीजें थी सब बंद हो गई थी। इस वजह से इनकी इकोनॉमी अगर देखी जाए तो 1976 से इस बार ऐसा हुआ है कि इतनी कम ग्रोथ हुई है इनकी इकोनॉमी में। नवी मुंबई में गूगल ने 3.81 लाख स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो लीज पर लिया है 28 साल के लिए। इस एरिया का जो मंथली रेंट है वो है 8.75 करोड़, और एनुअली ये जो रेंट है ये 1.75% के हिसाब से इंक्रीज भी होगा। 2 साल में ये डेटा सेंटर बनके तैयार हो जाएगा, और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना आलिशान होगा ये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने किसी भी बैंक में शेयर्स को एक्वायर करने की और उन्हें होल्ड करने के जो नॉर्म्स हैं उनमें कुछ चेंजेस लाए हैं साल 2023 के लिए। और बेसिकली ये जो चेंजेस हैं ये इस चीज को इंश्योर करने के लिए हैं कि बैंक के जो शेयर्स हैं वो डाइवर्सिफाइड रहें, और उसके साथ साथ इनके जो भी होल्डर्स हैं वो प्रॉपर एंड फिट रहें, क्योंकि इंडिया ने काफी बैंक स्कैम्स देख लिए हैं और RBI का ये कदम है कि ये फर्दर और ज्यादा ना हो।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हैदराबाद को चूज किया है फॉर बीइंग द सेंटर ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो सेलिब्रेशन होगा. ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इनके जो बेसिक और मेन थीम्स रहेंगे वो रहेंगे या तो हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज, और इसी के लिए इन्होंने हैदराबाद को चूज किया है. जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि साल 2025 तक इंडिया में 25% ऑफ आईफोन्स प्रोड्यूस होने लगेंगे. इस समय तो सिर्फ 5% आईफोन प्रोड्यूस होते हैं, और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिससे ये कहा जा रहा है कि साल 2027 तक 50% आईफोन्स इंडिया में प्रोड्यूस होंगे. अगर ऐसा होने लगे तो ये काफी अच्छी बात रहेगी इंडियन मार्केट के लिए भी और इंडियन कंज्यूमर्स के लिए भी. पेटीएम ने अपने 2,96,000 शेयर्स को बायबैक किया है जिसमें पर यूनिट की जो वैल्यू है वो 550.3 रुपीज है. रेनॉल्ट सेल्स फॉल फॉर फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर. 2022 में 14.47 लाख यूनिट्स इनके जो है वो बिके हैं एक्सक्लूडिंग रशिया. रेनॉल्ट के सीईओ का कहना है कि ये जो दिक्कत हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि टेस्ला ने ग्लोबली प्राइस कट कर दिया है और इस वजह से रेनॉल्ट को इसका कंपेंसेशन झेलना पड़ रहा है. आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इसके पीछे क्या रीजन सोचते हैं. आज चौथा दिन है और स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट है उसमें नायका के शेयर चौथे दिन लगातार गिर रहे हैं. 52-वीक लो पर इस समय नायका के शेयर हैं. 5% और गिरे और ₹132 पर आकर अटक गए. DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सेक्रेटरी का कहना है कि इंडिया में अब कोई भी बिजनेस अपना खोलने के लिए एक दिन काफी है. वैसे तो ये काफी यूटोपियन बात लगती है क्योंकि कोई भी बिजनेस खोलने के लिए आपको काफी चीजें पहले से सोचनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, काफी पॉइंट्स जोड़ने पड़ते हैं, कुछ घटाना और जोड़ना पड़ता है, गुणा भाग करना ही पड़ता है. लेकिन जिस तरह से इंडिया में इस समय पॉलिसीज आ रही हैं स्टार्टअप्स की ग्रोथ के लिए या फिर बाहर के जो कंपनीज हैं उनके इन्वेस्टमेंट के लिए, हो सकता है ये बात अभी नहीं तो कुछ समय बाद सच जरूर हो जाए. और अगर ऐसा होगा तो ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद चीज रहेगी. तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही. हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में. तब तक अगर आप किसी भी कंपनी के बिजनेस मॉडल को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. वी विल ब्रिंग दैट केस स्टडी फॉर यू फॉर श्योर. तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग.